इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तार खूंखार आतंकवादी पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि आतंकवादी किन किन आतंकी घटनाओं में शामिल रहा, किन किन शहरों में उसने आतंक की ट्रेनिंग ली। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी रियाज भटकल का करीबी रहा है और उसके साथ मिलकर कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब्दुल सुभान कुरैशी, एक बड़ा आतंकवादी, मोस्ट वांटेड इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक, जिसे गिरफ्तार कर लिया, बम बनाने में बाहर माना जाता था। 2008 में जब सफदर नागौरी और काफी लोग इसके अरेस्ट हो गए इंदौर में, तो उसके बाद ये भाग के गुजरात गया। उससे पहले ये रियाज भटकल के साथ मिलके इंडियन मुजाहिदीन की फॉर्मेशन कर चुका था। ये जब कर्नाटका में था तो इसकी मुलाकात रियाज भटकल, इकबाल भटकल वगैरह से हुई थी भटकल एरिया में, और वहाँ के रेडिकलाइज यूथ के साथ मिलके, और सिमी के वो लोग जो ज़्यादा रिएक्टिव और वोलेटाइल थे, रेडिकलाइज ज़्यादा थे, उनके साथ मिलके इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन की फाउंडेशन भी की थी। तो 2008 में सफदर नागौरी पकड़ा गया और काफ़ी लीडरशिप सिमी की पकड़ी गई और ये हेड बना सिमी का। तो उसके बाद ये पुणे में गया था रियाज भटकल के साथ मिलके, इसने ऑफर किया था कि हमें बम ब्लास्ट करना है, वो इसका इनिशिएटिव था, सिनिस्टर इनिशिएटिव आई वुड से। क्या खबर आपकी जी, बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब और खबरों के साथ हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए आप विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा www.aajtak.in पर। देखते रहिए आज तक, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।